दोस्तों हमारे पास एक पेशेंट हैं जो लास्ट टाइम आए थे, उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता की समस्या थी। उन्होंने हमसे इलाज कराया करीब एक महीने, अब उनकी प्रॉब्लम ठीक है। तो हम उनसे जानेंगे उनकी तकलीफ हुई क्यों थी, कैसे ठीक हुई और कितना खर्चा आया, सब की बात सुनते हैं हम लोग और फिर बताएंगे प्रॉब्लम होती क्यों है, कैसे को परमानेंट ठीक किया जाता है। तो इसको लीजिए, इसमें ऐसे बोलिएगा, ठीक है? मैं 19-20 साल का था, तो नहाते समय मैंने इसमें लिंग में गर्म पानी डाल दिया था हस्तमैथुन करते समय। तो उस टाइम मेरे लिंग में बड़ी तेज दर्द हुआ था, फिर अगले दिन से मेरे को ना थोड़ी टेंशन सी होगी, दिमाग में वहम सा बैठ गया था मेरे। उसके बाद मेरे पे पैसे इतने थे नहीं, काम वाम करता नहीं था, पढ़ाई वढ़ाई चल रही थी उस टाइम मेरी, तो मैं मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब रहने लग गया था। कई साल मैं परेशान रहा। उसके बाद मैंने कई डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को लग रहा था दिक्कत है। फिर उसके बाद मैंने दवाई खानी शुरू करी तो उन्होंने, सबने मेरे को यही बोला था वीकनेस है, दवाई खाता था लेकिन असर कुछ नहीं होता था, कमी सब बताते थे। डराते थे आपको? हाँ, पैसे बनाते थे। हाँ, लेकिन दवाई कोई ढंग से देता नहीं था। फिर मैं अब इनका वीडियो देखा था मैंने, तो मैं यहाँ पे आया, मैंने दवाई खाई है, शुरू में ही मेरे को आराम दिख गया, दवाई का असर भी दिख रहा है, मतलब फायदा है। देखिए क्या होता है कि आपके अंदर हुआ क्या कि यंग लड़के थे, आपने गर्म पानी डाला, आप डालो जब भी लिंग के अंदर आप गर्म पानी डाल दो या कोई इरिटेबल तेल लगा लो या कभी इवन हैंड पेटिंग करके उसको थोड़ा दर्द होने लगे, चोट पहुंच जाए लिंग के अंदर, पेनिस के अंदर कुछ भी हो और अनकम्फर्ट होगा उसको, तो उसके जो ब्लड फ्लो नसें हैं वो टेम्परेली श्रिंक कर जाएंगी। अगर किसी को कोई लड़का मान लो हैंड प्रैक्टिस कर रहा टाइट है और खुद जोर से यहाँ चिकोटी, खुद जोर से मार दो, जोर से चिकोटी काट दो, तो जो पेन होगा तो लिंग का ब्लड फ्लो टेम्परेली कम हो जाएगा। कोई भी अनकम्फर्ट, आप चाहे आपका पेनिस फुल टाइट है और आपको एक बुका पीठ मार दो तभी लिंग का ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। तो यंग लड़के जहाँ लिंग कड़ापन कम हुआ, थोड़ा दर्द हुआ, तुम डर गए। आप सब जान लो जब भी हम डरते हैं तो ब्रेन से निकलता है स्ट्रेस केमिकल एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन पेनिस के नर्व से निकलता है, आपका ब्रेन से निकलता है जो खून की नसों को श्रिंक कर देती है, ब्लड फ्लो नसों को श्रिंक कर देती है, उसका खून दौरान कम हो जाता है जिससे पेनिस सॉफ्ट हो जाता है, इवन ब्लड फ्लो कम से पेनिस श्रिंक कर जाता है। प्लस जब लिंग में कड़ापन कम आता है तो ब्रेन में सेक्स सेंटर है उसके अंदर कुछ केमिकल चेंज होने की वजह से, सीरोटोनिन केमिकल, कोई अदर केमिकल चेंज होने की वजह से उसका डिजायर घट जाता है, कॉन्फिडेंस घट जाता है, उसके मन में बैठ जाता है कि मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई। जैसा मैंने पहले कई वीडियो बता चुका हूँ कि लिंग का कड़ापन होने के कई कारण होते हैं, या तो कोई सेक्स हार्मोन कमी हो, लिंग में खून दौरान कम हो, लिंग की नसों में कोलेस्ट्रॉल जम जाए जिससे नसें ब्लॉक हो जाती हैं, जो कि डायबिटीज से या क्रॉनिक ब्लड प्रेशर से, हैवी स्मोकिंग से, हाई कोलेस्ट्रॉल से, हाई ट्राइग्लिसराइड से, लो गुड कोलेस्ट्रॉल की वजह से, या क्रॉनिक किडनी समस्या से, लीवर समस्या से, इन सबसे नसों में कोलेस्ट्रॉल जमने से भी ब्लड फ्लो कम हो जाता है। फिर किसी को सिस्टमिक डिसीज लाइक लीवर प्रॉब्लम हो, किडनी प्रॉब्लम हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, कोई एपिलेप्सी हो, मिर्गी द्वारा हो, कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो, साइकोटिक डिसऑर्डर्स हो, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सब में भी क्या होता है ब्रेन में एक कुछ न्यूरोकेमिकल डिस्टर्बेंस की वजह से पेनिस का ब्लड फ्लो कम हो जाता है, क्योंकि उस न्यूरोकेमिकल डिस्टर्बेंस की वजह से पेनिस के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट नहीं हो पाता है। तो आप सब जान लो जब भी हम सेक्स थॉट इन्जॉय करते हैं तो पेनिस के अंदर से नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट होता है जो पेनिस के नसों को रिलैक्स करके ब्लड फ्लो बढ़ाता है। तो कई चीज़ों से ये नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेशन बंद हो जाता है और ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, कड़ापन कम हो जाता है। फिर कभी पेनिस में एक्सीडेंट की वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है, पेनिस कभी 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 बीमारी तो पेरोन डिसीज, पेनिस के अंदर ब्लीडिंग होने की वजह से नसे ब्लॉक होकर ब्लड फ्लो कम हो जाता है। कई कारण होते हैं, पर तुम्हारा जो कारण था आपको ब्लड फ्लो कम हुआ था ड्यू टू उस अनकम्फर्ट ऑफ हॉट वाटर, जिसके बाद धीरे धीरे आपको स्ट्रेस के अंदर बढ़ता गया, आपको ब्लड फ्लो बढ़ता गया, पेनिस करता गया, तो कोई बड़ी समस्या नहीं थी। पर कोई जो नीम हकीम डॉक्टर, जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर या जो अदर डॉक्टर जो कि अपने देखो सोल सेक्सोलॉजिस्ट बोलते हैं, ये कभी नहीं बोलेंगे कि प्रॉब्लम बड़ी नहीं है,
उस समय बोलते कमी बोलते हैं कि सोना भस्म हीरा भस्म खिलाते रहते हैं। तो आप सब जान लो कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है आपको, तो फिर टेस्ट करें कि हार्मोन कमी है, ब्लड फ्लो कमी है, या ब्रेन ब्लड लीक कर जा रहा है, या ब्रेन में सेक्शन कमी, साइकोलॉजी कमी है, या अदर सिस्टमिक डिसीज है, या कोई अदर ड्रग्स लाइक शराब, सिगरेट, अल्कोहल, कुछ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ये सब ड्रग भी दिक्कत देती हैं। तो कारण जानने के बाद आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करके क्योर करते हैं। अब आपने दवा खाई, दवा से आपको टाइट होने लगा, अब आप सेक्स कर पा रहे हो? बता जाए, आप सेक्स कर पा रहे हो? हाँ, बढ़िया। कितना रेगुलर सेक्स कर पा रहे हो? हाँ, रेगुलर सही है, मतलब कि बीच में ब्रेक दे देता हूँ, टाइम। हाँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आपको मन का डर खत्म हुआ? मन का डर? हाँ, वो खत्म हो गया। तो आप सब जानो कि जब भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कारण कुछ भी रहा हो, मन के अंदर फियर आ जाता है, और जैसे फियर आता है तो आपका एन्जॉयमेंट कम हो जाता है, डर बढ़ जाता है। जहाँ आदमी दवा छोड़ता है, मन डर आता है कि अब दवा नहीं खा रहे हो, पता नहीं होगा या नहीं होगा। ये डर के हमारे ब्रेन से निकलता है स्ट्रेस केमिकल एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन पेनिस में निकलता है, ब्लड में निकलता है, जो कि ब्लड फ्लो कम कर देता है, फिर कड़ापन कम हो जाता है, जिससे बार बार आदमी फील हो जाता है। तो चाहे कारण कुछ भी रहा हो, परमानेंट क्योर करने के लिए आपकी जो सेकेंडरी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऐड हो जाती हैं, फियर ऑफ फेल्योर, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, स्पेक्टेटरी, मतलब पेन से जासूसी करता आदमी कि होगा या नहीं होगा, खड़ा हो रहा नहीं हो रहा, क्या होगा, उसको ठीक करने के लिए कुछ सेक्स थेरेपी करनी पड़ती है, जो हम आपको बाद में कराएंगे, उसका परमानेंट ठीक हो जाएंगे। तो बिना परमानेंट क्योर के लिए, बिना सेक्स थेरेपी परमानेंट क्योर कोई नहीं होता है, कारण कुछ भी रहा हो। तो आपको लास्ट में बता दें, जो सेक्स थेरेपी करने के लिए वो आप एक्सरसाइज करना, जिससे आप परमानेंट ठीक हो जाओगे। ठीक है ना, याद है ना, तो सेक्स थेरेपी बाद में जो करने में बताया था मैंने आपको करना, ठीक है।